62 वर्षीय संजय दत्त को 2020 में फेफड़ों के कैंसर का पता चला था और मुंबई में उनका व्यापक इलाज हुआ था। दत्त महीनों बाद कैंसर मुक्त हो गए थे। प्रतीक्षित परियोजनाओं। मुन्ना भाई अभिनेता ने शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सिनेमा के लिए अपने प्यार और इसका हिस्सा बनने पर गर्व महसूस किया। मैं एक कलाकार हूं और मरते दम तक अभिनय करता रहूंगा। उन्होंने कहा मुझे अपने काम से प्यार है। मुझे मेरे द्वारा निभाए गए किरदार, मैंने जो काम किया है और नई प्रतिभाओं का आना पसंद है। KGF चैप्टर 2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दत्त ने भी यश की प्रशंसा की। मैं देखता हूं यश और मैं 20 से 30 साल पहले और मुझे उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। रणबीर, यश, रामचरण, जूनियर, NTR और इन सभी लड़कों को देखकर मुझे भारतीय फिल्म बिरादरी के हमारे परिवार का हिस्सा होने पर गर्व होता है, उन्होंने कहा। दूसरी ओर संजय दत्त ने एक प्री में भाग लिया यश, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, रितेश सिद्धवानी और कार्तिक के साथ अपनी आगामी फिल्म KGF चैप्टर 2 का प्रचार करने के लिए SS सम्मेलन। संजय दत्त की आने वाली परियोजनाओं में पृथ्वीराज और शमशेरा शामिल हैं।